चीफ सेक्रेटरी सिंध मुमताज अली शाह 4/12/2019 को इनके ऑफिस में मुनक्कद हुई और इस मीटिंग में चेयरमैन एंटी करप्शन और दिगर महकमों के सेक्रेटरीज को बुलाया गया था और इनको हुक्म दिया गया था कि वो फौरी तौर पर चेयरमैन एंटी करप्शन को इंक्वायरीज भेजी जाएं। इस मीटिंग में सेक्रेटरी एक्साइज एंड टेक्नीशियन कंट्रोलर डिपार्टमेंट अब्दुल हलीम शेख भी नुमाया थे, यानी कि वो मीटिंग का हिस्सा थे। इन तमाम सेक्रेटरीज बशमूल अब्दुल हलीम शेख ने चीफ सेक्रेटरी सिंध मुमताज अली शाह के एहकामात को मास्टरमाइंड अंदाज में तमाम इंक्वायरीज को पसे पर्दा डालकर तमाम करप्शन ज़दा अफसरान की पुष्ट कनाई की। अब होता क्या है कि इस मौके पर असिस्टेंट एक्साइज टेक्नीशियन ऑफिसर इशफाक अहमद शेख पहुंच जाते हैं दरख्वास्त और इंक्वायरीज लेकर डीजी नैब सिंध के पास। असाजराय न्यूज़ की खोज के मुताबिक डीजी नैब ने आज तमाम करप्शन ज़दा अफसरान बशमूल एक्साइज एंड टेक्नीशियन नार्कोटैक्स को न सिर्फ हुक्म दिया बल्कि इंक्वायरीज के लिए लेटर मुतल्लिका अदारों में जारी भी कर दिए। असाजराय न्यूज़ की स्क्रीन पर इन तमाम अफसरान के नाम भी सामने आ गए हैं जिनके खिलाफ इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया। इस खेल में जो चीदा चीदा अफसरान के नाम मंजरेआम पर आए उनमें सियाद शाह ETO, सरोप चंद ETO, आसिफ तमंगर ETO, गुलाम हैदर मला AETO, बोस बख्श महर ETO, अहमद यार खोसा, ये वो अफसरान हैं जिनमें से चंद अब डिप्टी डायरेक्टर के अहदों पर बराजमान हैं और हुकूमती इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल इनका शेवा बन चुका है। ये वो तमाम अफसरान प्रॉपर्टी टैक्स कराची में तैनात थे जो कि अब मुख्तलिफ जगहों पर तैनात हो चुके हैं। इन अफसरान को खालिस सुमरों की आशीर्वाद हासिल थी और हासिल है। सुहेल जमीर, असाजराय न्यूज़, कराची।